एक निर्धन वाणी तो आया भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की बहुत पूजा करा करता। एक दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और दर्शन दिए उसने, और दर्शन देकर वह एक अंगूठी देगी उसने कि देगी भाईड़ो एक अंगूठी देगी। बोली चाली कुछ नहीं, दर्शन दिए अंगूठी दी चले गए चली गई। वो अंगूठी कोई सामान्य नहीं थी भाई, असाधारण थी, साधारण नहीं थी। अगले दिन सेठ जी ने, सेठ जी टोटा था, सेठ जी ने कहा के मां कुछ धन आ जाना चाहिए। उन्हें सोचा थोड़ी देर बाद देखा धन धन आने लग गया। फिर दो चार घंटे बाद भूख लगी कि कुछ खाने भी चाहिए। इतना सोचो देखो तो भाई पकवान अपने आप आ गए। दिमाग में बैठ गयो हो ये तो इस गुठिया कमाल है, अगर जो मन में सोचू वही आने लाग रहे। जब बात समझ में आ गई तो फिर तो लग गया मन कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। जो जो सोचता गया वो सब कुछ होता चला गया। अब नगरी में नाम हो गया सेठ जी का, अब वो फला सेठ बहुत धनाढ्य आदमी। एक बार ऐसा हुआ कि भाई तेज आंधी के साथ बाहर बारिश भी आई, तो एक बूढ़ी औरत जो आसपास के जो आदमी थे उनकी भोता के छप्पर उड़ गए, घर टूट गए। एक बूढ़ी औरत आई तो अंदर जान लगी उसकी कोठी में, तो ले बुढ़िया रुक मेरे से पूछा अपने अंदर आने के लिए। बोले भाई एक बार यो बारिश खत्म हो जाएगी मैं चली जाएंगी, मैंने क्या करना है। बोला ना मेरे घर में आने की इजाजत नहीं है। दरबान को बुलाया कर रही बाहर फेंक दो। उन्हें धक्के मार के बाहर कर दियो बुढ़िया। जैसे ही वह बाहर करी ऐसे बिजली कड़की और जो उसकी बंगला था बंगले में आग लागी, जो था सब कुछ सवा हो गया। अंगूठी का ना ध्यान गया तो अंगूठी भी साफ होगी और मां लक्ष्मी बाहर खड़ी मुस्कुराने लग रही। जब तक बाणियों को समझ में आया जब तक तो नाश हो लिया। मां कहने लगी कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का गरीबों का आदर ना हो उस घर में लक्ष्मी रुकेगी नहीं। जय जय श्री राम।